अभी हमने देख लिया था डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कैसे होता है, मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, हायर एज वेल एज लोअर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। डायरेक्ट रेस्पिरेशन ऑकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन ऑकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन किन किन ऑर्गन्स के थ्रू हो सकता है? स्किन के थ्रू हो सकता है, गिल्स के थ्रू हो सकता है, ट्रैकिया के थ्रू हो सकता है, लंग्स भी ऑर्गन ही मेन ऑर्गन है, बुक लंग्स के थ्रू हो सकता है, किंगडम एनिमेलिया में हमने देख लिया था, बुक गिल्स के थ्रू हो सकता है और पल्मोनरी सैक के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करने वाले जो भी एनिमल्स है उन्हें बोल रहता है, मतलब रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू स्किन, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। करेक्ट, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। व्हाट इज मीन बाय क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू स्किन। करेक्ट, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू गिल्स। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू ट्रैकिया। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय लंग्स। ओके, ठीक है, अब स्किन थ्रू रेस्पिरेशन कौन कर रहा है? किंगडम एनिमेलिया में हमने देख लिया था मोस्टली, करेक्ट, एम्फीबियंस। ऑल एम्फीबियंस नहीं, लेकिन ठीक है, फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है। अर्थवर्म एनेलिड है, वो भी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है। ओके, वो हम इन डिटेल देख लेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स में। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मतलब ग्रिल्स, गिल्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन करे, बहुत सारे हमने देख लिए थे गिल्स के थ्रू कौन रेस्पिरेशन कर रहा है, फिश गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन कौन कर रहा है, इंसेक्ट, वो हम देख लेंगे इन डिटेल कॉकरोच में। ठीक है, लंग्स के थ्रू ऑल हायर एनिमल्स, मोस्टली वर्टिब्रेट्स, फिश वर्टिब्रेट ही है लेकिन वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन हायर एनिमल्स जो है मोस्टली बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, दैट इज अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बुक लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ्रोपोड्स। ओके, ये अर्थ्रोपोड्स बुक लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं। लिमिलर्स को जनरली बोला जाता है, करेक्ट, किंग क्रैब इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फैलम, यस यस, अर्थ्रोपोड का ये एग्जाम्पल है, उसमें हमने देख लिया था, यस, हनी बीज का भी एग्जाम्पल देख लिया था इंसेक्ट में, अलग अलग, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, ये भी एनसीईआरटी में फोकस्ड है। लिमिलर्स मतलब किंग क्रैब, ये लिविंग फोसाइल का एग्जाम्पल है, फोसाइल है। और चलिए अगर डायग्राम चाहिए तो गूगल के, गूगल पे डाल के देख लीजिए, लिमिलर्स इज अ लिविंग फोसाइल, बुक गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है। और मोलस्का पल्मोनरी सैक थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, दैट इज मेंटल के थ्रू, यस, हमने पढ़ा था इन डिटेल मेंटल क्या होता है। ओके, ठीक है, तो ये है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उनको जनरली बोला क्या जाता है और कौन से एनिमल्स में हो रहा है। स्किन के थ्रू हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस, दैट इज अ मोस्टली फ्रॉग एंड अर्थवर्म। अर्थवर्म एम्फीबियन नहीं है लेकिन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनेलिड। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किन में हो रहा है, फिश में ऑब्वियसली। ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन कौन कर रहे हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन कॉल्ड एज अ इंसेक्ट, ट्रैकियल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इन डिटेल हम देख लेंगे। यहाँ कॉकरोच, ये डिटेल हमें स्टडी में है। लंग्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, मोस्टली हायर एनिमल्स, ह्यूमन बींग, एव्स वगैरह। बुक लंग्स के थ्रू कौन कर रहा है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये भी अर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल है। बुक गिल्स, लिमुलस, ये भी अर्थ्रोपोड है, किंग क्रैब बोला जाता है, लिविंग फोसाइल। और पल्मोनरी सैक के थ्रू कर रहे हैं मोलस्क, दैट इज मेंटल के थ्रू। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, कौन से ऑर्गन के थ्रू कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम थोड़ा बहुत इन डिटेल थोड़ा देख लेंगे कैसे गिल्स स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उनकी स्किन कैसी चाहिए। ओके,